तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम पिज़्ज़ा और हाई फ्राइज है। तो गाइज, आज की बात करने वाला हूँ, आज के टॉपिक में बात ये करने वाला हूँ कि अगर आप कबूतर पालना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट काम, आपको एक बढ़िया टिकाऊ पेटी चाहिए जिसके अंदर बिल्ली ना घुस सके और आपके कबूतर ना मरे या फिर कोई भी जानवर ना घुस सके। फर्स्ट काम तो ये करना है। सेकेंड काम क्या क्या करना है आपको, आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे आप कबूतर खरीद सकते हो, क्योंकि आपको कबूतर तो फिर मिलने नहीं वाला है। जब तक आप 3-4 कबूतर नहीं लाओगे जब तक आपके पास कबूतर नहीं होगा। अगर 3-4 लाते हो तो किसी और का कबूतर भी आ जाता है, तो उसको भी पकड़ लोगे तो आपके पास कबूतर बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर शुरू से एक भी कबूतर नहीं होगा तो कैसे कबूतर पालोगे, आ ही नहीं सकते आपके पास कबूतर। और ये सोच रहे हो अगर आप जंगली को पाल के आप जंगली से पालती कबूतर पकड़ लो तो आप बेसिकली 1 महीना रोक लो, 2 महीने रोक लो, लेकिन आपके पास वो हिलेगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं हिलेगा, वो भाग ही जाएगा, क्योंकि वो जंगली है, क्योंकि उसको खुले में रहने का आदत है और घोंसले पर रहने का आदत है। और जो हमारे पास होते हैं वो पालतू कबूतर होते हैं, उनकी आदत होती है शुरू से ही इंसानों के साथ रहने के लिए, इसीलिए वो इंसानों से डरते नहीं हैं, तो हमारे पास ही रहते हैं और उनको उड़ाते भी हैं तो उल्टे आ जाते हैं। तो आपको पहला चीज़ पैसा भी होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कबूतर को टाइम नहीं दोगे तो आपके पास कबूतर नहीं लेंगे, भाग जाएंगे या फिर दूसरे दूसरे छत पर बैठने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको आप खुद दुखी हो जाओगे। आप छत पर आओगे, आप किसी दिन सोचोगे कबूतर उड़ाते हैं तो आप उड़ाओगे, देखोगे कभी उस छत पर बैठ रहा है कभी उस छत पर बैठ रहा है, आप दुखी हो जाओगे, कभी उस छत से उड़ाओगे कभी उस छत से उड़ाओगे। तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके कबूतर कोई बीमार हो गया तो आपको अगर नहीं पता होगा कि ठीक कैसे करना तो कैसे ठीक करोगे, आपका कबूतर तो मर जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ का तो आपका इलाज है कि आप YouTube पर सर्च मार सकते हो अरविंद भाई किसकी आईडी पे, कि अगर कबूतर कुछ चीज़ का अगर जैसे लकवा हो गया कबूतर को तो कैसे ठीक करें, तो वीडियो आ जाएगी तो आप उससे सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपके पास टाइम तो होना ही चाहिए, तो टाइम होगा तभी तो आप ये सब चीज़ करोगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, और प्लस में आपके पास एक स्थायी जगह होना चाहिए, जैसे कि आपका खुद का घर होना चाहिए। तो आप कबूतर पालोगे तो आपको फैमिली को तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर फैमिली आपके यहाँ करेगी तभी तो कबूतर पालोगे। और अगर आप किराए पर रहते हो कबूतर पालोगे तो आपके साथ मेरे तरह ही सीन होगा, जैसे मेरे साथ हो चुका है पहले। मैं किराए के छत पर कबूतर पाला था, तो कुछ दिन तो पाला मैंने, लेकिन फिर उसका जो मकान का मालिक था उसने मना कर दिया और फिर मुझे हटाना पड़ा। हटाना तो पड़ेगा गाइस, क्योंकि घर तो मेरा खुद का है नहीं, वो तो मना करेगा तो हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाऊंगा तो वही बात होगी, लड़ाई झगड़ा। ठीक है गाइस, तो आपके पास खुद का घर भी होना चाहिए, नहीं तो अगर आप किराए पर भी रहते हो और वो मकान मालिक अच्छा है और कहता है सपोर्ट करता है, कहता है पालो कोई दिक्कत नहीं है मुझे पक्षियों से, तो पाल सकते हो, लेकिन आपके पास स्थायी जगह होना चाहिए तब जाकर आप कबूतर पालो। ठीक है, तो ये थे 3-4 चीज़ जो आपके पास होने चाहिए तो आप कबूतर सही से पाल सकते हो और कबूतर को कबूतरबाजी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, और डेली बोलता हूँ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के हमको बोझा जोड़ते हैं। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में।